जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में यही एक सबसे मेजर क्वेश्चन आता होगा कि अरे भाई बिजनेस किस मोड में रजिस्ट्रेशन करें, सोल प्रोप्राइटरशिप रखें, पार्टनरशिप रखें, LLP रखें, प्राइवेट लिमिटेड रखें, सोल कंपनी बनाएं, OPC बनाएं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का पार्ट होता है ज़्यादातर नए लोगों के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पार्टनरशिप के क्या क्या बेनिफिट हैं, पार्टनरशिप कैसे आप करवा सकते हैं, पार्टनरशिप है क्या, इसमें क्या टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उससे और पार्टनरशिप में क्या आपको डिफरेंसेस रहेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पार्टनरशिप होता क्या है। दरअसल पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, ये पार्टनरी हो गया है ना। आप हम लोग बोलचाल की भाषा बोलते हैं कि दो पार्टनर बन गया है, तो दो ये पार्टनरशिप हो गया, दोनों जो मिल के बन गए और इन दोनों के मिलने के वजह से जो एक नाम बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फर्म, पार्टनरशिप फर्म। एग्जांपल, जैसे मेरा नाम सत्यम कीर्ति हो गया और एग्जांपल मेरे एक ब्रदर है उसका नाम है शिवम, अगर हम दोनों मिलके पार्टनरशिप करते हैं तो हम दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे, और हम अपने पार्टनरशिप का जो भी नाम रखेंगे उसको हम फर्म बोल सकते हैं। जैसे सत्यम एंड शिवम इंटरप्राइजेज, या सत्यम एंड शिवम एंड कंपनी, या सत्यम एंड शिवम एसोसिएट्स। देखिए ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है बिल्कुल भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि आपको एंड कंपनी लगाना है लास्ट में, या एसोसिएट्स लगाना है, या कुछ भी लगाना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जनरली मैंने देखा है नोमेनक्लेचर इस तरीके का लोग सफिक्स यूज़ कर लेते हैं अपने नाम के एंड में, थोड़ा वो फैंसी लगता है, अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सवाल उठता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है। सो कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको उतनी ज़रूरत भी कहाँ है, दो से तीन लोग तो हार्डली होते हैं, मैक्सिमम मैंने लाइफ में देखा है कि दो से ज़्यादा पार्टनर होता ही नहीं, जनरली दो लोग पार्टनर बनते हैं और बात खत्म। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि क्या हम बिजनेस करने के लिए अपनी वाइफ को पार्टनर बना के काम कर सकते हैं, तो आंसर है यस। आप अपनी वाइफ को, आप अपनी मदर को, आप अपने ब्रदर को, आप अपने फादर को आप पार्टनर बना सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे घर में एक वैसे आदमी जो सरकारी नौकरी में है, क्या हम उनके साथ पार्टनरशिप मिलकर काम कर सकते हैं? इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आदमी सरकारी जॉब कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी भी टाइप का। पार्टनरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो पार्टनरशिप बेसिकली दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहला होता है रजिस्टर्ड और दूसरा होता है नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, रजिस्टर्ड का मतलब हुआ कि आप उसको कोर्ट के थ्रू ही रजिस्टर करवा के आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो ही आप जा सकते हैं। देखिए जनरली मैंने क्या देखा है कि नॉन रजिस्टर्ड ही हम काम करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड में होता क्या है कि 2000 या 3000 या 4000 या 1000 का स्टाम्प पेपर लगता है, उस पर पार्टनरशिप डीड बनता है। myprojectreport.com कंपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा काम करती है, इनफैक्ट किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन का काम हो myprojectreport.com पर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको घर बैठे बैठे टोटल डॉक्यूमेंट आपको बनाकर दे दिया जाएगा टाइमली एंड फुल एक्यूरेसी के साथ। तो स्टाम्प पेपर के बाद इसमें बनता है पार्टनरशिप डीड और दोनों जो भी पार्टनर रहेंगे उनके लगेंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगता है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका बनेगा। वैसे तो पैन कार्ड का कोई खास रिक्वायरमेंट होता नहीं है, जनरली आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का एक पैन कार्ड अप्लाई होता है उस समय पार्टनर्स के पैन वो कई बार मांग लेते हैं, इसीलिए हम लोग शुरुआती में ही मांग लेते हैं कि भाई जो दोनों पार्टनर हैं उनका आधार पैन दोनों आप दे दीजिए, फोटो भी दे दीजिए, ठीक है। लेकिन रजिस्टर करने के लिए एज सच इतना डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा दोनों पार्टनर का, ठीक है। तो दोनों पार्टनर का आधार कार्ड आ गया और उसी के बेसिस पर आपका पार्टनरशिप डीड बनेगा। जितने भी लोग हैं इसमें तो वो किस किस रेशियो पे पार्टनर बने, जैसे पहला पार्टनर कितना लेगा, 60% का मालिक रहेगा या 40% का रहेगा या 30% का रहेगा, दूसरा कितना का रहेगा, तो इस तरीके से होता है। अगर तीन लोग हैं तो तीनों लोग में बंटेगा वो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड करेंगे, आपका बिजनेस है आप ही को डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको इसमें किसी भी टाइप का डाउट है, समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो भी आप तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि इस तरीके से आपको इसमें काम करना है और आपके लिए हम रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। नेक्स्ट इसमें बात आती है कि अगर हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है और इसका नेगेटिव क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि दो लोग मिलकर एक काम किए
दो लोग मिलके साथ में आए और कोई काम किए, लेकिन चूंकि ये एक लीगल एंटिटी के तौर पे इसको नहीं माना जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है दोनों पार्टनर का, वो होता है अनलिमिटेड। यानी कि अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो क्रेडिटर जो भी है वो डायरेक्ट पार्टनर को भी पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप LLP खोल रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हैं, OBC ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वहाँ पर जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी जैसे LLP में जो भी पार्टनर हैं, उनका लायबिलिटी एक लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी का एक स्कोप वहाँ पर रहता है, बस इतना ही भर का वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड हो तो ज़रूर जाता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ही वैसा नहीं तो फिर चिंता किस बात की है। कौन सा आप बहुत बड़ा करोड़ों खरबों रुपया का करने के लिए जा रहे हैं दो लोग मिलके? हाँ, आपको अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का काम करना है तो सिंपल नॉन रजिस्टर्ड में आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। नेक्स्ट, इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म अगर आप बना रहे हैं तो आपको साल दर साल किसी भी टाइप का एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद बाकियों में सब में पड़ता है, वो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, LLP हो, OPC हो, वहाँ पर एनुअल रिटर्न आपको भरना पड़ता है। दूसरी बात, ऑडिटेड बैलेंस शीट भी आपको गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है, वहाँ पे कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है। पार्टनरशिप फर्म में कोई कंप्लायंसेस नहीं है, एकदम फ्री, आपने रजिस्टर किया, काम चालू, नो एक्स्ट्रा झंझट। तो ये एक सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है कि आपको कंप्लायंसेस के झंझट से छुटकारा मिल गया। दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप फर्म का एक सेपरेट पैन होता है, तो आप उसी पैन से एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट बैंक अकाउंट, और जो भी पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन है वो आप आराम से उसमें डाल सकते हैं। और दोनों पार्टनर को जितना मर्जी है आप पैसा निकालिए, ले जाइए, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इतना क्यों लिया, मैंने उतना क्यों लिया, चूँकि ये दोनों मैटर आप दोनों लोगों का है, यानी कि दो पार्टनर्स का है। यहाँ पर गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाद बाकी जगह पर बताना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बताना है, LLP में बताना है, किसने क्यों लिया, क्या नहीं लिया, वो सब कुछ आपको, चूंकि वहाँ ऑडिट होता है। पार्टनरशिप फर्म में भी ऑडिट होता है अगर आप सर्टेन लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हैं, बट वो सिंपल सा ऑडिट करके खुद ही रखना है, आपको बिल्कुल भी उस ऑडिट के चक्कर में टेंशन में नहीं पड़ना है। वो नॉर्मल कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर देंगे और उसको अपने पास रखना है, ये नहीं कि गवर्नमेंट को आप फाइल किए जा रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि ऑडिट करने के बाद ऑडिटेड बैलेंस शीट भारत सरकार को जाता है MCA के थ्रू, यहाँ पर इन चीज़ों से मुक्ति मिल गई। सो ये सारे बेनिफिट है पार्टनरशिप फर्म बनाने के। अब एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करें, नॉन रजिस्टर बनाएं कि रजिस्टर बनाएं? तो अगर आपका काम बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, जैसे 10-10 करोड़ का है, 50 करोड़ का, उस तरीके का काम है, और आप बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस का लोड भी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करवाने का, पार्टनरशिप अगर आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसका एक दो फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने फर्म के नाम पर आप लोन ले सकते हैं, दूसरा आप अपने फर्म के नाम पर किसी को सू कर सकते हैं, यानी कि किसी के ऊपर केस कर सकते हैं अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट किया तो। लेकिन अगर आपका नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पर ये दोनों काम नहीं हो पाता है, ठीक है? वहाँ के लिए ये लोग जनरली रजिस्टर्ड मांगते हैं, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो फिर लेने क्यों? फिर आप अपना नॉर्मल पार्टनरशिप को नॉन रजिस्टर करके आप काम कीजिए। पार्टनरशिप से रिलेटेड आज की इस वीडियो में जितना मैंने कम टाइम में, जितना ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इतना डिटेल में आपने कहीं नहीं सुना होगा। मैंने फालतू के प्रोविजंस बता के समय ख़राब नहीं किए कि पार्टनरशिप बहुत टाइप के होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, नॉट स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव इनएक्टिव, इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ा, वो सब किताबें बातें हैं। मैंने वही बात बताई जो एक एंटरप्रेन्योर, जो एक बिजनेस के नाते आपको जानना चाहिए और जो आपके काम की चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट चीज़ें आपको बताई, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और पार्टनरशिप अगर आप फॉर्म रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं या myprojectreport.com वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, myprojectreport.com में और भी 50 से ज़्यादा सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है, सब कुछ आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।